जोधपुर राजस्थान से मनीष सोनी जी, आपका प्रश्न सामने आया है हमारे। आप कह रहे हैं कि मेरे दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न ये है कि शिवलिंग पर किसी भी द्रव्य से अभिषेक गोमुखी श्रृंगी से करते हैं तो श्रृंगी को किस तरह से पकड़े हुए अभिषेक करना, अथवा क्या श्रृंगी से शिवलिंग पर अभिषेक करते समय तर्जनी एवं कनिष्ठा अंगुली का निषेध है? ये पहला प्रश्न है आपका। और दूसरा कह रहे हैं, क्या शिवलिंग पर जल एवं पंचामृत से अभिषेक करते समय जो शिवलिंग पर तांबे के नाग विराजते हैं उन्हें शिवलिंग पर से उतारना होता है, यानी कि बिना नाग के ही जल अथवा पंचामृत चढ़ाना होता है? इन विषयों में कृपया करके शास्त्रोक्त मार्ग बताने की अनुकंपा करें। मनीष जी, श्रृंगी जो है और श्रुवा, यज्ञ जब किया जाता है तो यज्ञ करते समय आपने देखा होगा कि जो मुख्य यजमान होता है वो लकड़ी की एक वस्तु से, माने लकड़ी का एक पात्र होता है जिसको श्रुच कहा जाता, श्रुआ, उससे घी उठा करके डालता है। तो उसको पकड़ने का नियम क्या है? जैसे कलम पकड़ी जाती है वैसे उसको पकड़ा जाता है, कलम की तरह से पकड़ करके आहुति दी जाती है। इसी तरह से जो भगवान का अभिषेक है उसमें श्रृंगी पकड़ने के लिए भी उसी तरह से श्रृंगी को पकड़ा जाता है। मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य यह है कि आपका जो हाथ है, इस हाथ में अलग अलग तीर्थ हैं, तो ये जो ऊपर की तरफ उंगली की तरफ का भाग है ये देव तीर्थ कहलाता है, और जो ये अंगूठे की तरफ इधर जा रहा है ये पितृ तीर्थ कहलाता है। ये जो उसकी विपरीत दिशा में अगर आप यूं करें तो ये ऋषि तीर्थ कहलाता है, और ये जो अपने मणिबंध की ओर का भाग है ये आत्म तीर्थ कहलाता है। तो अगर अपने को कोई चीज़ ग्रहण करनी हो हाथ से तो ऐसे ग्रहण किया जाता है, माने आत्म तीर्थ की ओर से खुद पीने का नियम है, अंगूठे की तरफ से पितरों को देने का नियम है, अंगूठे के विपरीत तरफ की ओर से ऋषियों को देने का नियम है, और देवताओं को देने का नियम है उंगली की तरफ से। तो जो उंगली है उस उंगली की तरफ से द्रव्य जब जाएगा, चाहे वो भोग का द्रव्य हो, चाहे वो जल हो, चाहे कुछ हो, वो इस तरफ से जब जाता है तो वो देवता के लिए समर्पित माना जाता है। इसलिए आपकी उंगलियों से आप पकड़ें ताकि वो जो श्रृंगी का जल है भगवान के ऊपर अभिषिक्त होने के लिए जा रहा है वो देव तीर्थ से होते हुए आगे बढ़ सके। और जहाँ तक आपने कहा कि तर्जनी और कनिष्ठा का उसमें बर्ताव है, तो श्रृंगी में, श्रृंगी के पकड़ने में ऐसा कोई बर्ताव सुनिश्चित नहीं किया गया है। हाँ, जहाँ पर जप माला करना है वहाँ पर तर्जनी अंगुली को वर्जित किया गया है, अन्य अनेक कार्यों में भी तर्जनी को वर्जित किया गया है, लेकिन श्रृंगी पकड़ने के लिए ऐसी कोई विधि नहीं है कि उसमें तर्जनी और कनिष्ठा को आप दूर रखें और बाकी उंगलियों से ही पकड़ें। अगर आपके मन में बात है कि तर्जनी उंगली को हम क्यों इस कार्य में लगाएं और आपसे हो सकता है तो कर दें, कोई बाधा भी नहीं है। नारायण।